वेलकम टू अ मॉडर्न टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन कैसे बाय करें ईएमआई पे विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड। बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी भी मर्चेंट से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अमेजोन का ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम ऐसे ही रैंडमली HP का लैपटॉप देखते हैं। हमें उसे नॉर्मली अगर हमें अमेजोन से EMI पे परचेज करना है तो क्या क्या चाहिए होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने HP का लैपटॉप सर्च कर लिया है और यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट। कोई भी हम HP का लैपटॉप सर्च करते हैं यहाँ पे जैसे ये वाला है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा EMI पे परचेज करने के लिए हमसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा, वो भी कुछ बैंक से जैसे ICICI ये भी जो भी सेलेक्टेड बैंक हैं इनके क्रेडिट कार्ड होने चाहिए आपके पास, तभी आप यहाँ से ख़रीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल ट्रिक जिसकी वजह से आप बिना किसी क्रेडिट कार्ड के EMI पे परचेज कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको प्ले स्टोर से किस्त नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे किस्त के इसके नाम में लिखा है EMI विदाउट क्रेडिट कार्ड ऑन 0%। और देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके डाउनलोड्स भी 1 मिलियन के पार हैं और रिव्यूज़ भी इसके काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस ऐप में होता क्या है मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स ये ऐप जो है वो पूरी पेमेंट अमेजोन को या फ्लिपकार्ट जहाँ से भी आप परचेज करना चाहते हैं वहाँ पे ही अपनी तरफ से पूरी पेमेंट कर देगा जितने का भी वो प्रोडक्ट है। और फ्रेंड्स उस अमाउंट का ये लोन बना के आपके ऊपर EMI के थ्रू आपसे लेगा। आपको मतलब जितना भी अगर 25,000 का आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट ये कर देगा और वो पैसे आपसे ये लोन के तौर पर EMI के रूप में लेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पहले ही एक बार लॉगिन किया हुआ था, इसमें साइनअप किया हुआ है मैंने, तो इसे सीधा लॉगिन कर लेता हूँ मैं। पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं आपको सीधा दिखाऊंगा इसके होम पेज पे क्या आता है। फ्रेंड्स ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, कैमरा लोकेशन और डिवाइस की कुछ डिटेल्स। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये EMI कार्ड दिया हुआ है इसने ऐसी। यहाँ पे स्टार्ट शॉपिंग पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट शॉपिंग लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इसका जो EMI कार्ड है उसे वो एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स देनी होती है, अपनी सैलरी वगैरह ये सब। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स amazon.in खुल गया है। यहाँ पे अगर मैं HP का लैपटॉप सर्च करूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वही वाला प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे किया था। उसको मैं ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे EMI स्टार्ट से 1480 रुपये लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं किस्त से इसे खरीदूँगा तो 1480 रुपये की EMI बनेगी और कुछ इनका जो भी 5 से 15% तक होता है फ्रेंड्स इंटरेस्ट, या किसी किसी प्रोडक्ट पर 0% होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके फ्रेंड्स फैक्स में जाके आप देख सकते हैं किस्त की एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स आपकी 21 साल एज होनी चाहिए अगर आपको ये ऐप यूज़ करना है तो। फ्रेंड्स नॉर्मल जैसे आप लोन लेते हैं इंडिया बुल्स धनी ऐप इन सब पे वैसे ही है, सेम है फ्रेंड्स। कोई भी ज़्यादा फ्रेंड्स ये सिक्योर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यही तरीका था EMI पे बाय करने में बिना क्रेडिट कार्ड के। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में वीडियोज़ मिलती है।